गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. नाउ टुडे वी स्टडी चैप्टर फर्स्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट सोशल साइंस. व्हाट इज द चैप्टर फर्स्ट? आवर कंट्री इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द हार्ड वर्ड्स ऑफ आवर चैप्टर फर्स्ट, आवर कंट्री इंडिया. नाउ हार्ड वर्ड्स कंट्री. द फर्स्ट हार्ड वर्ड इज व्हाट? कंट्री. CONTRY country, CONTRY country. Country it means what? Our country. What is the name of our country? India. हमारी country का नाम क्या है? India. Now next, located 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 it means the meaning of located is situated means द प्लेस वेर इट इज़ लोकेटेड. वो प्लेस कहाँ पर है? सो द मीनिंग ऑफ लोकेटेड इज सिचुएटेड. नेक्स्ट, सराउंडेड. द प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज सराउंडेड. हाउ टू रीड दिस वर्ड? सी, सराउंडेड इज यू SURROUNDED surrounded. SURROUNDED surrounded. Surrounded it means कि चारों ओर किसी चीज़ के मतलब आसपास होना. सराउंडेड जैसे कि हमारे आसपास क्या है? इन्वायरमेंट. हमारा हम किससे सराउंडेड है? हमारे चारों ओर क्या है? अराउंडेड. कोई चीज़ किसी से सराउंडेड होती है तो वो होता है सराउंडेड. नेक्स्ट, बे ऑफ बंगाल BAY BAY OFF BENGAL बे ऑफ बंगाल ये इंडिया के राइट साइड में है. बे ऑफ बंगाल. वाटर बॉडीज़ हैं. द नेम ऑफ द वाटर बॉडीज, थ्री वाटर बॉडीज़ हैं इंडिया जिससे सराउंडेड हैं. सपोज सी, ये इंडिया, ये साउथ पार्ट होता है इंडिया का, सबको पता है. तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल राइट साइड में, है ना. यहाँ इस जगह है ये वाटर बॉडीज कौन सी है? बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट, अरेबियन सी. व्हाट इज द प्रोनंसिएशन? अरेबियन सी. अरेबियन सी ये यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड. अरेबियन सी कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड में है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेबरिंग. नेबरिंग व्हाट इज द प्रोनंसिएशन? नेबरिंग NEIGHBOURING नेबरिंग NEIGHBOURING नेबरिंग. नेबरिंग इट मीन्स कि हमारे नेबर जो होते हैं, जैसे हमारे घर के पास में क्या है, नेबर होते हैं ना, हमारे पड़ोसी. तो ऐसे इंडिया की भी नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं. ठीक है, इंडिया के पास में आसपास में कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो दैट इज़ नोन एज नेबरिंग. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, नेबरिंग कंट्रीज़ हमारे इंडिया के पास में कौन सी कंट्रीज़ हैं? नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? उनके नेम्स, नेपाल NEPAL नेपाल NEPAL नेपाल. नेक्स्ट, BHUTAN भूटान BHUTAN भूटान. दीज आर द नेम्स ऑफ आवर कंट्रीज़. पाकिस्तान PAKISTAN पाकिस्तान PAKISTAN पाकिस्तान. श्री लंका श्रीलंका SRILANKA लंका SRILANKA लंका श्रीलंका. नेक्स्ट, मालदीव्स. मालदीव्स इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ कंट्री. मालदीव्स व्हाट वी रीड? मालदीव्स. ठीक है, MALDIVES मालदीव्स MALDIVES दीव्स मालदीव्स. ओके, अवर नेक्स्ट कंट्री, नेबरिंग कंट्री चाइना. यू नो वेरी वेल चाइना. चाइना का तो नेम आप सभी जान गए होंगे, है ना. सो चाइना CHAINA चाइना. म्यांमार. नेक्स्ट कंट्री इज म्यांमार MYANMAR म्यांमार MYANMAR म्यांमार. नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट हार्ड वर्ड डिवीजन. डिवीज़न मतलब कि पार्ट्स में डिवाइड करना. डिवीज़न
कि डिवाइड करना, डिवीजन, डिवाइड करना, ओके, डी आई वी आई एस आई ओ एन, डिवीजन. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वी रीड दिस वर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एड ए एड डी ए डी एड मिनिस्ट्रेशन, टी आई ओ एन शन, एम आई एन आई एस टी आर ए मिनिस्ट्रे टी आई ओ एन शन मिनिस्ट्रे एडमिनिस्ट्रेशन. अब एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि हमारा स्कूल, हमारे स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो अलग है, जहाँ पे सारे मैनेजमेंट के वर्क होते हैं. एक स्टाफ होता है ना, जिनके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, मैनेजमेंट जहाँ होता है उसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, है ना, जो जैसे पूरा स्कूल मैनेज होता है तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पार्ट, जहाँ पे मैनेज चीज़ों को मैनेज किया जाता है वो होता है दैट इज़ नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जी ओ वी ई आर एन एम ई एन टी, गवर्नमेंट जी ओ वी ई आर एन एम ई एन टी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इट मीन्स हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट. हर कंट्री की गवर्नमेंट होती है, हर स्टेट की गवर्नमेंट होती है, यू नो वेरी वेल, यू स्टडी दिस इन थर्ड क्लास. नेक्स्ट इज माउंटेन्स, माउंटेन्स, माउंटेन्स एम ओ यू एन टी ए आई एन एस, माउंटेन्स, माउंटेन्स पहाड़ हम बोलते हैं जिन्हें, है ना, माउंटेन्स सबने देखे हैं पिक्चर्स. प्लेन्स पी एल ए आई एन एस, प्लेन्स पी एल ए आई एन एस, प्लेन्स, प्लेन्स मतलब प्लेन एरिया, फ्लैट सरफेस, प्लेन एरिया जहाँ पे की खेती करता है किसान, है ना, फार्मर्स वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं. नेक्स्ट डेजर्ट, डी ई एस ई आर टी, डेजर्ट वो लैंड जहाँ पर की सैंड होती है, डेजर्ट एरिया, राजस्थान डेजर्ट एरिया है ना, वहाँ वो फर्टाइल लैंड नहीं होता है, वहाँ पे क्रॉप्स बहुत कम ग्रो होते हैं, दैट इज लैंड डेजर्ट एरिया. प्लेट्यू, प्लेट्यू पी एल ए टी ई यू ए यू, प्लेट्यू पी एल ए टी ई ए यू, प्लेट्यू, प्लेट्यू इट मीन्स की मतलब फ्लैट सरफेस नहीं होती है और क्या होता है थोड़े मतलब कि पठार जैसा होता है जहाँ पर ऊंचा होता है और फिर फ्लैट सरफेस होती है, तो दैट इज नोन एज प्लेट्यू. आइलैंड, आइलैंड, आइलैंड इट इज़ नॉट इजलैंड, ये इजलैंड नहीं पढ़ेंगे, आप सोचेंगे आई एस है तो हम इसको इज मैंने, यर एस इज साइलेंट, यहाँ पर एस साइलेंट है. आइलैंड, आइलैंड कि जहाँ पर चारों ओर कहाँ से वाटर से सराउंडेड है, वाटर से सराउंडेड है, चारों ओर किससे वाटर से सराउंडेड है, ऐसे आइलैंड्स, और बीच में एक छोटा सा लैंड का पार्ट है और वो चारों ओर पानी से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, चारों ओर उसके पानी है तो उसे कहा जाता है आइलैंड. ओके सर, आई एम रिपीटिंग अगेन, आइलैंड, व्हाट इज व्हाट वी रीड दिस वर्ड, आइलैंड. नेक्स्ट कन्वीनियंस, 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 कन्वीनियंस इट मीन्स की सी ओ एन वी ई एन आई ई एन सी ई, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस इट मीन्स कि हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से हम कैसे रहते हैं, जो हम कौन से क्लोथ्स वेयर करते हैं, जो हमारे जो हमें कन्वीनियंट लगते हैं ना, कंफर्टेबल लगते हैं, कि हम एक कन्वीनियंट हम कहीं जाते हैं तो हम मतलब कि लाइट क्लोथ्स वेयर करना पसंद करते हैं, तो कि ताकि हमें उठने और बैठने में और ट्रैवल करते टाइम हमें कन्वीनियंस रहे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, तो ऐसे इसे क्या कहते हैं, कन्वीनियंस. नाउ दिस हार्ड वर्ड सिट्स ओवर हियर एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अ चैप्टर इन पार्ट्स, मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगी पार्ट्स में, ओके, एक एक टॉपिक के, टू टू टॉपिक्स के मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी चैप्टर एक्सप्लेन के, सो यू हैव टू रीड, या आपके पास रिकॉर्डेड है ना, आपके पास सेव रहेगा, आप इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और ट्राई योर बेस्ट, ताकि आपको कोई अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं डाउट्स. सो ट्राई टू रीड दिस एंड please study at your home and be safe and please stay home and stay safe. Okay, bye.